दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में एक और वीडियो लेकर के हाजिर हो चुका हूँ, जिसमें हम बच्चों का दिमाग चेक करते हैं कि बच्चों का दिमाग कितना काम करता है। यहाँ पर आप सवाल देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इसका जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। यहाँ पर देखो, एक किलो रुई और एक किलो लोहा, दोनों में से ज्यादा वजनी कौन होगा? देखो इधर, बात सुनो ध्यान से। देखो रुई एकदम कितना बड़ा, एकदम यहां से लेकर के यहां तक फैला हुआ है, इतना बड़ा। देखो इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है देखो। और लोहा देखो इतना ही छोटा है। ज्यादा वजन कौन होगा? ज्यादा वजन ये होगा। ये तुम्हारा फाइनल जवाब है कि एक किलो लोहा ज्यादा होगा रुई से? हाँ। फाइनल जवाब। हाँ। यहाँ पर जो सवाल है कि एक किलो रुई और एक किलो लोहा, दोनों में से ज्यादा वजनी कौन होगा, ज्यादा भारी कौन होगा? तो इस बच्चे ने यहाँ पर कहा है कि एक किलो लोहा ज्यादा भारी होगा। तो चलिए इसका जवाब हम बाद में देखते हैं, दो और बच्चों को बुलाते हैं, उसके बाद में हम जवाब आप लोगों के सामने में रखेंगे। जो सवाल इससे पहले हम एक बच्चा से किए थे, वही सवाल तुम्हारे सामने भी है। यहाँ पर देखो एक किलो रुई है, यहां से लेकर के यहां तक देखो कितना एकदम जगह में रुई को रखा गया है, और ये एक लोहा है। एक किलो रुई एक किलो लोहा, दोनों में से ज्यादा भारी कौन होगा, जिसका ज्यादा वजन किसका होगा? किसका? लोहा का ज्यादा वजन होगा और रुई का एक किलो वजन कम हो जाएगा। सही जवाब, फाइनल। यहां पर इस बच्चे ने कहा है कि एक किलो लोहा ज्यादा होगा और एक किलो रुई का वजन कम होगा, तो इसका क्या जवाब होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को अपने बच्चों को दिखा करके बच्चों से आप कमेंट पूछिए कि आपका बच्चा क्या जवाब दे रहा है। उसके बाद जो आपका बच्चा जो जवाब देगा, सही सही कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके बच्चे का दिमाग कितना काम कर रहा है। एक और बच्चा को हम पूछेंगे, उसके बाद तुम लोगों के सामने में जो सही जवाब है वो जवाब आ जाएगा। देखो इधर मेरी तरफ देखो, इस सवाल को हम इससे पहले दो बच्चों के साथ में कर चुके हैं, ठीक है? वही सवाल हम तुमसे भी करने जा रहे हैं। एक किलो रुई एक किलो लोहा, लोहा है ना ये एक किलोवा, देखियो ना तर्जुमे, एक किलो लोहा एक किलो रुई, दोनों में से किसका वजन ज्यादा होगा, कौन भारी होगा ज्यादा? ये लोहा। एक किलो लोहा ज्यादा हो जाएगा, रुई कम हो जाएगा किलो? नहीं नहीं ये रुई ज्यादा होगा। हाँ गलत बात, ये चीटिंग नहीं, ठीक है बेटा? हमेशा तुम लोग हम सच्चाई का हमेशा वो देते हैं, अपना ही नुकसान हो लेकिन किसी से चीटिंग नहीं करना है। लोहा जी। फाइनल जवाब जी। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि तीनों बच्चे ने यहाँ पर कहा कि एक किलो लोहा ज्यादा वजन होगा, ज्यादा भारी होगा, जबकि उसी के मुकाबले में एक किलो रुई है तो इसका वजन कम हो जाएगा। अब हम इसका जवाब कंप्यूटर से पूछते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को अपने बच्चों को जरूर दिखाया होगा, अपने बच्चों के दिमाग को टेस्ट लेने के लिए कि आपके बच्चे इसके बारे में क्या जवाब दे सकते हैं। जो भी जवाब दिया है ईमानदारी के साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें। अब मैं इसका सही जवाब इन तीनों बच्चों को बताने वाला हूं। कंप्यूटर जी इसका सही जवाब बताइए क्या है। यहाँ पर इस बच्चे ने कहा है कि लोहा का वजन ज्यादा होगा, तो यहाँ पर कंप्यूटर ने बताया है कि जवाब गलत है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा अब तुम लोगों को हम दिखाने वाले हैं। इसका सही जवाब है कि दोनों का वजन बराबर होगा। एक किलो लोहा एक किलो रुई, एक किलो बराबर नहीं हुआ? बराबर हुआ। तो फिर कैसे बोल रहे थे कि ये ज्यादा होगा ये कम होगा, या ये ज्यादा होगा ये कम होगा? एक किलो मतलब कि 1000 ग्राम है ना, 1000 ग्राम इधर भी है 1000 ग्राम इधर भी है, तो बराबर हुआ ना। तुम में से जो बच्चा इसका सही जवाब देता वो इसको 50 रुपए जीत सकता था। देखो इधर जेब में रखे हैं।